हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग है करेंगे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये भी मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है रेस्टोरेंट। आइए इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो मार्था इज इंटरव्यूइंग एट सबवे। वन ऑफ द राउंड्स ऑफ द इंटरव्यू रिक्वायर्स हर टू कट अ ब्रेड ऑफ साइज एल क्रॉस बी इंटू स्मॉलर आइडेंटिकल पीसेस सच दैट ईच पीस इज अ स्क्वायर हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल साइड लेंथ विथ नो लेफ्ट ओवर पीस ऑफ द ब्रेड। इस प्रॉब्लम का सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक बड़ी सी ब्रेड है और अगर आपको उसको स्क्वायर के फॉर्म में कट करना है, छोटे छोटे स्क्वायर के फॉर्म में, जिससे कि जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो स्क्वायर का साइज हो वो लार्जेस्ट हो और कटिंग करने के बाद कोई भी पीस हमारा छूट ना जाए या कोई भी पार्ट हमारा ब्रेड का छूट ना जाए। तो ऐसा करने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक 2x2 का एक स्क्वायर है। अगर मेरे पास 2x2 का ये स्क्वायर है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 2x2 का ही पीस ले लें तो दिस इज दी ओनली पीस दैट इज पॉसिबल। तो ये सबसे लार्जेस्ट पीस है और ये हमारा आंसर को सॉल्व करता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक 6x9 का एक पीस गिवन है। तो अगर मैं इस ऐसे जस्ट ड्रॉ करूँ, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, 3, 4, 5 एंड 6 एंड देन इसी तरह से 4, then 5, 6, 7, 8 and 9। थोड़ा सा बियर कीजिएगा, डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये 6 है और ये 9 है। तो अगर हम इसको कट करते हैं तो मान लीजिए कि हमने 6x6 की तरह से इसको कट किया। तो जब मैं 6x6 की तरह से कट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3x3 का बाद वाला पार्ट है, सॉरी 6x3 का बाद वाला जो पार्ट है वो 6x6 पे नहीं डिवाइड हो सकता। तो चूंकि इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार, हमने क्या किया कि लार्जेस्ट पीस बनाने के लिए 6 और 9 में से स्मॉलेस्ट फाइंड किया। स्मॉलेस्ट फाइंड किया तो 6 आया, और 6x6 का स्क्वायर बनाने की हमने कोशिश की। तो 6x6 का जब हमने स्क्वायर बनाने की कोशिश कोशिश की तो ये पार्ट तो मेरा बन गया कट करके, लेकिन ये जो दूसरा वाला पार्ट है वो 6x6 नहीं बनाएगा। तो हमें क्या करना था, हमें स्क्वायर के फॉर्म में इसको बनाना था। तो ऐसा करने के लिए कि स्क्वायर पीसेस ही बने तो मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि 6 और 9 में से लार्जेस्ट ना लेके बल्कि इसका जीसीडी ले लेते हैं। लेट से मैंने इसका जीसीडी लिया 6 और 9 का, क्योंकि जीसीडी ही जो नंबर होगा वो इक्वली इक्वली इसको डिवाइड करेगा। तो 6 और 9 का जब हमने जीसीडी लिया तो ये हमारे लिए 3 मिलेगा मुझे। तो अगर हम 3x3 का पीसेस बनाना स्टार्ट करें, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक 3x3 का बना लिया एंड देन 3x3 का दूसरा मैंने ये बना लिया, देन 3x3 का मैंने ये चौथा बना लिया। इसी तरह से जस्ट नीचे भी ऐसे बनेंगे, 3x3 देन 3x3 इसके नीचे एंड देन 3x3 इसके नीचे। सो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह के पीसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने टोटल पीसेस इसमें बनेंगे। तो अगर आप 6 × 9 को 3x3 से डिवाइड कर दें सो दिस विल गिव यू द एक्चुअल नंबर्स। सो 2 × 3 = 6 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 6। तो यहाँ हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो स्क्वायर का साइज होना चाहिए वो जीसीडी के इक्वल होना चाहिए। तो ये इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। और रेस्टोरेंट LB हमारी प्रॉब्लम गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जीसीडी फाइंड करना पड़ेगा। जीसीडी हमें फाइंड करना है L और B का, और जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा होगा लेट्स से इंटीजर आंसर, दिस इज इक्वल्स टू L × B। ये हमारा ब्रेड का एक्चुअल साइज था और जो हमने कट्स लगाए तो कट्स हमने लगाए हैं x x साइज के। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जीसीडी को लिखना पड़ेगा, और जीसीडी फंक्शन को लिखने के लिए आई होप आपको याद होगा कि हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम से जीसीडी के लिए एक छोटा सा फंक्शन लिख सकते हैं। तो लेट्स से इंटीजर ए इंटीजर बी एंड अगर ए 0 है तो हम रिटर्न कर सकते हैं बी, अदरवाइज अगर बी 0 है तो हम रिटर्न कर सकते हैं ए। ये मेरा जीसीडी के बेस कंडीशंस हो गए, और बेस कंडीशन के बाद अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी सो वी आर कॉलिंग GCD ऑफ ए मॉड्यूलस बी कॉमा बी। आई होप जीसीडी वाला मेरा आपने वीडियो देख लिया है।
बहुत ही आसानी से एल्गोरिथम होती है जीसीडी की, अदरवाइज वी आर रिटर्निंग जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मॉडुलस ए, फाइन। तो ये एक बहुत ही छोटी सी एल्गोरिथम है, हम अपने ब्रैकेट्स को चेक कर लेते हैं कि क्या ब्रैकेट्स की पोजीशनिंग सही है कि नहीं। आई होप ब्रैकेट की पोजीशनिंग भी सही है और मेरा आंसर अब सही आना चाहिए। तो इसको हम सोल्यूशन को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज टेलिंग द कंपाइलेशन 43 नंबर लाइन में, फाइन। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? कंट्रोल रीचेस टू नॉन वाइट फंक्शन, इट मीन्स क्या है कि मुझे यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाना होगा और आंसर को रिटर्न करना होगा। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। सो आप देख सकते हैं कि जो सैम्पल टेस्ट कैसे वो पास हो गए हैं, तो हम इसको सबमिट करके देखते हैं। टेकिंग टू मच टाइम, फाइन। सो सारे के सारे टेस्ट केसेस प्रॉपरली रन हो गए। आई होप कि हमने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर द नेक्स्ट वन।